मैं कल सुबह कब आऊं? हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, हम टैक्सी से चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूं, लेकिन पता नहीं कि मैं सो पाऊंगा या नहीं। मैं भी सो नहीं पाऊंगा। ये तुर्कान आएगी या नहीं? आज मेरी मिस तुर्कान से बात नहीं हुई, मैं उन्हें सफाक के लिए कॉल करने वाला था, लेकिन अब बहुत लेट हो गया है, मैं उन्हें कल कॉल करता हूँ। वो आलसी लड़का? हाँ, आज मेरी उससे बात हुई थी, उसका दिल टूटा हुआ है, आसान नहीं है उसे ठीक करना। उसका चेहरा देखना चाहिए था आपको, दया आ जाती। पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, उसकी माँ होते हुए भी वो बेचारा बिल्कुल अकेला है, बहुत मुश्किल है। पता नहीं ये सब मैं मिस तुर्कान को कैसे बताऊंगा, काफी दिक्कत होगी मुझे। एनीवे, चलो कल मिलते हैं। थैंक यू भैया, अपना ख्याल रखना। तुम भी। अगर मुझसे कोई दिक्कत है तो सीधा मुझसे बात कीजिए, बॉयफ्रेंड को भेजकर क्या साबित करना चाहती हैं? जो आपका मन करेगा वो करेंगी आप। ये क्या बदतमीजी है, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते शफाक, ज़बान संभाल कर। अगर नहीं संभालूंगा तो क्या करेंगी आप? शफाक, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा पेशेंस टेस्ट मत करो। और अगर मैं करूंगा तो क्या करेंगी आप? मेरी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, समझिए आप, आपका कोई हक नहीं बनता मेरी लाइफ पर, किसी और का भी नहीं बनता, याद रखिए। तुम अपनी जिंदगी जीना चाहते हो ना, तो फिर जाओ ना। हाँ जाऊंगा, पूछूंगा नहीं आपसे। तो कार की चाबी छोड़ कर जाओ, समझे? तो आप मुझे कार की धमकी दे रही हैं? नहीं, कार, तुम्हारी पॉकेट मनी और रूम जिसमें तुम रहते हो। अगर तुम्हें मेरे पैसे यूज करने हैं तो तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। आप ये जानती हैं, पैसे सिर्फ आपके नहीं है, इस पे मेरा हक भी है। सपने देखना बंद कर दो, मेरे पापा का पैसा, मेरे पापा का स्कूल, ये सारी कहानियां ना अपने दोस्तों को सुनाना। मेरे एक फोन कॉल से तुम बेघर हो जाओगे, तुम्हारा घमंड टूट जाएगा। मुझे पापा को कॉल करने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि हमें पता है कि अगर उन्हें चूज करना हुआ तो वो किसे चूज करेंगे। बस हो गया, यह है वो तुर्कान अर्तन का चेहरा जो मुझे कब से देखना था। तुमने अपना यह चेहरा कादिर को नहीं दिखाया होगा अब तक, है ना? मुझे लगता है तुम्हें दिखाना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कैसे इंसान हो। तुर्कान अर्तन, कादिर, तुम्हारा बस हालचाल पूछने के लिए फोन किया था मैंने। मैं थोड़ा नर्वस हूँ और एक्साइटेड भी, कल शुक्रान को सर्जरी के लिए ले जाएंगे। अच्छा है कादिर,
वो जरूर ठीक हो जाएगी। ऐसा ही हो, बस सुकरान जल्दी ठीक हो जाए और हम साथ में अंटार्कटिका लौट सकें। कादिर। हाँ बोलो। फातिमा नूर तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम रो रही हो? नहीं मैं रो नहीं रही हूँ। क्यों कादिर? क्या अहमद ने कुछ कहा? उसने कुछ किया? फातिमा नूर ठीक है, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारी थोड़ी ही बात हुई, मैं बस थोड़ी दुखी हूँ, लेकिन ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तो तुमने अहमद से बात की? एग्जैक्टली नहीं। फातिमा नूर तुम भागने की तो नहीं सोच रही हो ना? ऐसा नहीं है कादिर। इसकी जरूरत नहीं है, जब तक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तब तक हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। तुम डरो मत ठीक है? मुझे पता है, मेरे मिस तुर्कान से बात हुई थी, मैंने उन्हें बता दिया कि हम जा रहे हैं। बता दिया तुमने? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ठीक है, और क्या कहेंगी। फातिमा नूर क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं कादिर, मैं तुम्हारे लिए और सुकरान के लिए कल प्रार्थना करूंगी। गुड बाय कादिर। ओके गुड नाइट।
स्कूल जा रहे हो? हाँ, और आप? प्लीज प्लीज बैठ जाइए, मैं फिर से थोड़ी देर के बाद पेशेंट को देखने आऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू वेलकम। वाह, ये तो हॉस्पिटल कम और होटल ज्यादा लगता है। मेरी प्यारी बच्ची, इन्होंने यहाँ नया नाइट ड्रेस भी रखा है और इस पर भालू बना हुआ है, इसे पहनोगी तुम? मैं मदद करूं? नहीं नहीं दीदी, मैं कर दूंगा। बसरी, ये जगह तो बहुत महंगी होगी। हाँ लगता तो है। शुक्रान बेटा, मुझे किस दो। ओ हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी एक रिलेटिव आज हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, शुक्रान वॉलचैक, वो पेडियाट्रिक सर्विस के लिए यहाँ आई है। एक मिनट प्लीज। उनका नाम तुर्कान वॉलचैक के नाम से है? हाँ, बिल उसी के नाम से होगा। रूम नंबर 3114, लेफ्ट वाली एलिवेटर से फोर्थ फ्लोर पर जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। बेटा, ये लोग जो दवाई देंगे वो बहुत अच्छी हैं। मैं यहां हूं ना तुम्हारे साथ, रिलैक्स। तुम मेरी तरफ देखो, डरो मत, डरो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, ओके, हो गया काम, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। वेलकम। थैंक यू सो मच। मिस्टर आर्थर ग्रुल यहाँ हैं? नहीं नहीं है, वो यहाँ जल्दी आ जाएंगे। शुक्रान मेरी प्रिंसेस, अब ठीक लग रहा है तुम्हें? डॉक्टर साहब जल्दी ही आ जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम।
थैंक यू सो मच डॉक्टर। अपना ध्यान रखना, हालांकि तुम्हारे लंग्स ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर आप भी ना, मैं कह रहा हूँ मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे पता ही। भाई तुम कुछ कह रहे हो, तुम्हारा शरीर कुछ कह रहा है, ढंग से बहाना बना के आते। अगली बार याद रखूंगा डॉक्टर, लेकिन मेरी बहन नहीं जानती मैं यहाँ पर हूँ, उसे इस बात का बिल्कुल पता ना चले, ठीक है डॉक्टर? अच्छा ठीक है, अब निकलो यहाँ से, जाओ। ऐसा क्यों? अरे तुम्हारी बहन आई है, मैंने खुद उसे आते देखा है, कोई रिश्तेदार बीमार है। बीमार रिश्तेदार? अभी देखा मैंने। ओके थैंक यू डॉक्टर, चलता हूँ। आधे घंटे में हम उनकी सर्जरी शुरू कर देंगे, सर्जरी ज्यादा लंबी नहीं होगी, उसके बाद हम उसे यहाँ से शिफ्ट करेंगे आईसीयू में। आईसीयू में ले जाकर हम एक पूरी रात उसको निगरानी में रखेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ऑपरेशन आसान नहीं है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं चलता हूँ। थैंक यू। क्या आप ठीक हैं? ठीक हूँ, काश ये सब जल्दी खत्म हो जाए। फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए बंदर चलते हैं, शुक्रान परेशान हो रही होगी। मैम सुनिए, मुझे कुछ आपसे जानना था। जी। रूम नंबर 3114 में कौन है? वो तुर्कान? हाँ, ओल्चेक, मिस तुर्कान। ओल्चेक? हाँ। लेकिन इलाज किसका चल रहा है वहाँ पर? उनकी बेटी शुक्रान। उनकी बेटी? हाँ। ओके थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। वेलकम मिस्टर निहात, गुड मॉर्निंग। आपके पापा आपसे मिलना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। मेरे बच्ची, तुम एक्साइटेड हो ना? यहां तुम्हें बढ़िया एडवेंचर्स करने मिलेंगे। हेलो, मैं दवाई देने आई हूँ। अरे वाह, इतनी जल्दी दवाई? हाँ, दवाई देने का वक्त हो गया है। वो देख रही हो बेटा, उस बेड के नीचे पहिए लगे हुए हैं, कमाल है ना? देखो जैसा मैंने कहा था, दवाई वहां से आकर यहां तुम्हें मिलेगी। डोंट वरी बेटा, तुम सो जाओगी तब भी मैं तुम्हारे पास बैठा रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है? वापस आओगी तब मैं खुद तुम्हें जगाऊंगा और बड़ी पप्पी दूंगा, ठीक है? डरना मत,
बिल्कुल मत डरना बेटा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बात याद रखना, ढेर सारा प्यार करता हूँ। मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। डरना मत बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं चाय पीने जा रही हूँ, आप लोग चाय कॉफी कुछ पियेंगे? आप रुकिए, मैं ले आता हूँ आपके लिए। जी नहीं शुक्रिया, मैं खुद ले आऊंगी। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपनी भतीजी से मिलने आया हूँ। आपने बताया नहीं वो बीमार है और यहाँ पर एडमिट है। ये सब क्यों कर रहे हो तुम शफाक? कोई अपने ही भाई को अपनी शादी में बुलाना कैसे भूल सकता है? मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है। होश में आओ और अपनी जुबान को लगाम दो। मैं नहीं जानती तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, पर कोशिश? मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आपने शादी की। आपने तो मुझे बताया ही नहीं, लेकिन डैड का क्या? तुमने उनको भी नहीं बताया? पर अब तो तुम जाकर सब कुछ उगल दोगे, है ना? पहले मैं बिल्कुल यही करने वाला था, फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हम दोनों तो भाई बहन हैं और भाई बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं। मेरी बात सही है ना? क्या चाहते हो तुम शफाक? मैं जो चाहता हूँ उसे रिक्वेस्ट कहेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं अपने स्कूल में वापस जाना चाहूँगा, जिस स्कूल का मैं मालिक हूँ। ठीक है, हो जाएगा। ऐसा लग रहा है मानो मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी हो, कमाल है। दूसरी बात, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम मुझे रात को बाहर जाने से रोकती हो, तो मुझे रोकना बंद कर दो। जहां मेरा जाने का मन करेगा मैं वहां पर जाऊंगा। ठीक है। और इस सलीम को स्कूल से निकाल दो। मैं उसे स्कूल से नहीं निकालूंगी। ओह, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, लेकिन नहीं, उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाए। उसे भी बाकी लोगों की तरह अपने पैसे खुद कमाने चाहिए, है ना? स्कूल में रहना तो मेहनत करे, सही का? फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, पर मैं भरोसा कैसे कर लूं कि तुम्हारे सारे काम करने के बाद तुम डैड को कुछ नहीं बताओ? इसी बात में तो मजे हैं बहना, भरोसे के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तुर्कान अर्तन, माफ करना, तुर्कान ओलचेक, ये लो, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। अरे यार, जहां भी जाता हूँ हर जगह नजर आते हो तुम लोग। कहीं तुम लोग मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो?
हो सकता है तुम हमारा पीछा कर रहे हो। नहीं, मैंने स्कूल छोड़ दिए, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे आना बंद नहीं करोगे ना? ओह, ये अच्छी बात है। अगर हम नहीं होते तो गाड़ी रिपेयर करने वाले तुम्हें मार देते। सलीम, छोड़ो अब। अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान लो, वरना ऐसा ना हो कि तुम मेरे हाथों से फिर से पिट जाओ। वो तो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है तुम्हें पीटने बस से। बहुत हुआ, अब बस करो दोनों। पता है काफी गुस्सेल है वो, आदत डाल लो इसकी तुम। लेकिन वो मसाज बहुत बढ़िया करती है, मुझे उसने कई मसाज दिए हैं इसलिए जानता हूं। आपने बुलाया पापा? तुमने मीटिंग अरेंज की या नहीं की? मुझे एक काम था पापा। आपने क्यों बुलाया? मिस्टर जिया के साथ। मैंने उन तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन नहीं पहुंच पाया। क्या ये सच है? हाँ पापा, वो आदमी टर्की में आता ही नहीं है। ठीक है, तो उसे फोन करना बंद कर दो। क्या हुआ पापा, आप अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। हाँ, मिस्टर जिया से मैंने खुद बात की है, वो यहां कुछ दिनों में आने वाले हैं। इस काम में तुम्हें 10 साल लग जाते हैं। ओह, बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है या नहीं जल्दी पता चल जाएगा। गेट आउट। कादिर, क्या फातिमा नूर यहाँ आने वाली है? फातिमा नूर स्कूल में, वहां से निकलने के बाद शायद आ जाए। हो सकता है उसके पति के साथ। अब ऐसी बातें मत करो दीदी। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे बस भी करो। ठीक है, मैं चुप रहती हूँ। वो उसे बाहर कब लाएंगे कादिर? पता नहीं, हमें पूछना चाहिए। ऐसे चलो, हम बाहर टहल कर आते हैं और इसे तंग करना बंद करो, आ जाओ। अच्छी बात है, मैं भी तंग आ चुकी हूं यहां। टीचर। ओह वेलकम बच्चों, स्कूल बंक करके आए हो ना? मैं आपके साथ रहना चाहता था टीचर, जब मैं हॉस्पिटल में था तब आप मेरे साथ थे। थैंक यू। तुम अभी भी मिस्टर कादिर के सामने ये नहीं जता रही कि तुम अपने पति के साथ खुश हो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, तुम्हारा वक्त निकला जा रहा है। बच्चे के आईसीयू से बाहर आने के बाद भी अगर तुम यहाँ नहीं पहुँची तो मैं उनसे इलाज रोकने के लिए कह दूंगी, और मेरे कहने पर वो रोक भी देंगे, समझ गई ना तुम? अगर तुम सोच रही हो कि तुम वक्त खरीद रही हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है फातिमा नूर। तुम वक्त बर्बाद कर रही हो। फिर से स्वागत है यहाँ। सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल रही। मिस्टर गंज शफा आया है।
वो चाहता है मैं स्कूल में उसकी दोबारा एडमिशन करवाऊं। रोना मत डैडी, मुझे दर्द नहीं होगा। अहमद, मैंने तुमसे वादा किया था और मैं उसे निभाऊंगी। तो मेरे साथ रहकर मुझे यकीन दिलाओ फातिमा नूर। गुड इवनिंग। इश्क तेरा डंगदा है, बुल्ले